जब आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सिर्फ नाम के लिए टू मच नहीं दिया था, एक्चुअली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म थी, इसमें काफ़ी एक्टिंग नेसेसरी थी, आई नीडेड गुड एक्टर्स। तो लंदन का क्रू तो था ही मेरा, अच्छा कास्टिंग भी था, तो इवन आई हैड टू डिलीवर एज एन एक्टर। तो मैंने काफ़ी मेहनत करी मेरी एक्टिंग पे, और आई थिंक आई एम अ बिट बायस्ड विद एक्टिंग, सो एक्टिंग ही मुझे, आई थिंक फिल्म इज़ अ विजुअल मीडियम, एंड आई थिंक इफ विजुअली यू कैन एंटरटेन योर ऑडियंस, एंड ऑडियंस ऑलवेज लाइक्स टू सी सीनिक ब्यूटी एंड लंदन एज वेल, सो नो आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ यश राज फिल्म्स एंड द ग्रैंडियर, द प्रोडक्शन वैल्यू, आई थिंक इट्स अ विजुअल मीडियम. That's why London also, the concept was they in a live-in relationship, and it's a kind of bold concept, so I think London would suit it more. I was in my final year university, and basically I was modeling for magazines in London, and I got scouted by Pushkar and the team, and then the next minute I was in Bollywood. I personally love all the Khans, obviously, but my personal favorite is Aamir Khan. I follow a lot of his films, recently mujhe unki film Talash bahut pasand aayi thi. I love the storyline, and it just caught my attention. So